स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई आज हम geography through maps में पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक्स है ये का बहुत ही important topic है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू आप अपना बेस क्रिएट कर सकते हैं आपको बेसिकली समझ में आएगा इस क्लास को करने के बाद जो हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स हैं कि प्लेट्स होती क्या हैं ये एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करती हैं और जो इनकी इंटरेक्शन है और उस इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है उसको हम नेक्स्ट पार्ट टू में देखेंगे फाइन तो क्लास को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले आज के जो मैप है इंपॉर्टेंट मैप है उसके ऊपर नज़र डालेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही हाई रेजोल्यूशन मैप है और कुछ लाइंस यहाँ पर क्रिएटेड हैं तो यहां पर ये पैसिफिक ओशन और पैसिफिक ओशन के अलोंग आपको सरकम बेल्ट देखने को मिलती है जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं वी कॉल इट एज रिंग ऑफ फायर ये एक ऐसी बेल्ट है पैसिफिक ओशन के अराउंड जहां पर बहुत सारे होते हैं बिकॉज इन सभी एरियाज में जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से या तो टकरा रही हैं या तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं सो दिस दिस इज इज द द फर्स्ट मैप 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 दैट यू शुड फोकस अपॉन सेकंड ये काफी अच्छा है अगर मैं आपको दिखाऊं तो एंड इन दिस मैप यू कैन सी ऑल ऑफ द प्लेट्स और उनके इंटरेक्शन फाइन तो आज की क्लास करने के बाद आपको एटलीस्ट ये दो मैप्स क्लियरली समझ आने लग जाएंगे सो so ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज लास्ट डेट है फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेने के लिए देखिए अगर यूपीएससी क्लियर करना आपका सपना है और 2023 जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपका गोल है तो आपके लिए ये लास्ट चांस है हमारा लास्ट फाउंडेशन बैच आज क्लोज हो रहा है आज के बाद इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा और ये 2023 के लिए लास्ट फाउंडेशन बैच है दोस्तों अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड आर टी लाइव और आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा साथ ही इसी के साथ कोड यूज करते हैं यू विल गेट माई पर्सनल मेंटरशिप फाइन ओके सो इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है देर यू कैन पिंग मी ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू यू एंड सेकेंडली दिस इज़ माई टेलीग्राम लिंक ये ग्रुप है आप इसमें आ सकते हैं जुड़ सकते हैं यहाँ पर अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं इट इज लाइक अ फोरम एंड साथ ही uh, इसके ऊपर जो क्लासेज हैं उसके रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं सो so, ये दोनों ही यू नो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इफ़ यू यूज़ दीज एप्स सो यू कैन फॉलो इफ यू वॉन्ट फाइन ओके सो दीज थिंग्स असाइड्स लेट्स फोकस अपॉन द क्लास तो देखिए पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि जो हमारा पास्ट है जो अभी तक बीत चुका है उसके बारे में हम सिर्फ गैस कर सकते हैं अगर वो गेस थोड़ा सा साइंटिफिक हो तो ऑब्वियसली बेटर है। तो इसलिए जितनी भी इट कुड बी ट्रू इट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो किस तरह से डेवलप हुई है उसमें किन किन जियोलॉजिस्ट्स ने या किन किन साइंटिस्ट्स ने एक्सेट्रा

कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी फाइन नाउ ऑल दो उनकी थ्योरी देखिए एक बात समझिए कि जो एल्फ्रेड वेग्नर थे ही वाज़ अ क्लाइमेटोलॉजिस्ट वो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे है ना जलवायु विज्ञान शास्त्री थे तो बेसिकली क्लाइमेट के ऊपर वो रिसर्च करते थे तो जब वो ट्रॉपिकल एरियाज गए इंडिया आए साउथ अमेरिका गए तो वहां पर उनको ग्लेशिएशन के ग्लेशियर्स के कुछ पास्ट प्रूफ्स मिले उनको दिखा कि यार ये जो एरिया है आज के समय पर ट्रॉपिकल है लेकिन यहाँ पर फिर भी ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स अवेलेबल हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है या तो पास्ट में जो क्लाइमेट बेल्ट्स हैं वो चेंज हुई हों या फिर शायद जो कॉन्टिनेंट हैं वो मूव हुए हों उनमें ड्रिफ्ट हुआ हो तो इन्होंने conclude किया कि भाई देखो जो सन है वो तो वहीं पर है बिलियन से तो जो सन है वो वहीं पर है अर्थ भी वहीं पर है ऑलमोस्ट कोई चेंज आया नहीं है दोनों के अलाइंजमेंट में और इसीलिए जो क्लाइमेट बेल्ट हैं वो शायद ही चेंज हुई होंगी जो चेंज हुआ होगा दैट शुड बी आर कॉन्टिनेंट्स जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें ड्रिफ्ट हुआ होगा वो उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की होगी तभी इस तरह के प्रूफ हमें देखने को मिलते हैं लेकिन दोस्तों ही नॉट अ जियोलॉजिस्ट तो उस समय पर इनकी थ्योरी को बहुत सारे जो जियोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने नकार दिया रिजेक्ट कर दिया बिकॉज एल्फ्रेड बेग्नर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे भाई फोर्सेस क्या हैं दैट मूव दी वॉज अनेबल टू टेल वॉट वर द बिकॉज ऑफ विच इसीलिए इनकी इस थ्योरी को उस टाइम पर रिजेक्ट कर दिया गया एंड अपनी थ्योरी के साथ आए इन 1930s. तो 1930s में आर्थर होम्स ने थर्ड अपनी जो थ्योरी है वो दी सो so, 1930 में आर्थर होम्स ने अपनी कन्वेक्टिव करंट्स थ्योरी दी कन्वेक्टिव करंट थ्योरी उन्होंने बताया कि किस तरह से जो अर्थ की क्रस्ट है वो सेमी सॉलिड प्लास्टिक स्टेट एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है व्हाट गाइस द अपर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज क्रस्ट इज फ्लोटिंग ओवर प्लास्टिकी एस्थेनोस्फीयर और उसके अंदर किस तरह से कन्वेक्टिव करंट्स हैं और जिस हिसाब से कन्वेक्टिव करंट्स हैं उसके ही अकॉर्डिंग जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं फाइन तो आर्थर होम्स की थ्योरी थी देन गाइज आते हैं हैस एंड डाइट्स यानी कि हैरी हैस ये हैं हैस इन्होंने थर्ड uh, थ्योरी दी जो इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा एंड दैट वॉज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दैट वॉज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ठीक है और ये तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देन वी हैव दी गाइस, यस, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी एंड वी हैव दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी सो गाइस ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स थे जिसने आज के समय पर जो मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो क्रिएट करी तो आज के समय पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है पूरे अर्थ की कैसे प्लेट्स मूव करती हैं और किस तरह से प्लेट का अलाइंजमेंट है वो इन तीन थ्योरी से क्रिएट की गई है फाइन तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एल्फ्रेडर की थ्योरी की एंड देन नेक्स्ट पार्ट टू के अंदर हम बात करेंगे आर्थर होम्स एंड एंड हेस ने जो थ्योरीज दी थी, थी उसकी देन वी विल टॉक अबाउट मॉडर्न न्यूज इन द नेक्स्ट पार्ट एंड पार्ट थ्री में हम आज के समय पर अर्थ के ऊपर कितनी प्लेट्स हैं कौन सी माइनर प्लेट है कौन सी मेजर प्लेट है एंड किस तरह से प्लेट एक दूसरे के साथ इंटरक्ट करती हैं वो देखने वाले हैं सो so, तीन पार्ट्स में ये जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे सो गाइज विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद एल्फ्रेड वेगनर्स थ्योरी तो देखिए अभी तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ मैंने आपको बताया था जो हमारी अर्थ है आर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मेनी लेयर्स स्पेसिफिकली वी हैव थ्री लेयर्स द फर्स्ट इज क्रस्ट बिलो क्रस्ट यू हैव मेंटल एंड बिलो मेंटल यू हैव कोर की बाउंड के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तो गाइज क्रस्ट है प्लास्टिक स्टेट दैट इज इट इज आई कॉल इट एज हलवाज लाइक अ गर्म हलवा खाया कभी आप लोगों ने कैसा होता है इट इज सेमी सॉलिड है ना

आपके कन्वेक्टिव करंट्स देर आर कन्वेक्टिव करंट्स दैट आर देयर इन दी एस्थेनोस्फियर और गाइज जो मैग्मा है जो वॉलैनो से लावा निकलता है दैट इज क्रिएटेड इन दिस लेयर लेनाफियर फाइन और जो हमारा सॉलिड लिथोस्फियर है यानी कि ये जो पार्ट है दैट फ्लोट्स ओवर एस्थेनोस्फियर इट मूव्स ओवर एस्थेनोस्फियर बट ये मूवमेंट ऐसी है दैट इन मिलियंस एंड मिलियंस ईयर आप इसको देख पाओगे ठीक है आप आप चाहो कि आप जाकर आज मूवमेंट देखो तो यू यू आर तो आप देख नहीं पाओगे उसको है ना फाइन सो सो दिस इज इज इट देखिए ये हमारा मेंटल है एंड यू कैन सी दिस इज द टॉप मोस्ट क्लेयर दैट इज योर क्रस्ट एंड यहां पर आप देख सकते हैं देर आर कन्वेक्टिव करेंट दैट आर फ्लोइंग एंड जो ऊपर की लेयर्स हैं दे आर मूविंग अकॉर्डिंग टू दी कन्वेक्टिव करंट्स भाई अगर एक शिप है और इस शिप में कोई इंजन नहीं है कोई सेल नहीं है तो ये शिप पानी के करंट्स के अकॉर्डिंग फ्लो करेगी कर। पानी का करंट इस तरफ है तो शिप इस तरफ तो मूव करेगी इसी तरह से जो हमारी क्रस्ट है इट इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ईच पार्ट को हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं एंड दिस टेक्टोनिक प्लेट फ्लोज़ अकॉर्डिंग टू द कन्वेक्टिव करेंट्स इन दी मेंटल जो मेंटल के अंदर कन्वेक्टिव करंट्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये प्लेट्स मूव करती हैं फाइन अब गाइस लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हमें अल्फ्रेड वेग्नर ने दी थी फाइन देखिए ये थ्योरी बनी कैसे पहली चीज देखिए अगर आप बात करें कुछ लोगों की ये नाम आपको याद रखने की जरूरत है नहीं बट स्टिल फॉर योर नॉलेज आई अ कार्टोग्राफर एंड उन्होंने फर्स्ट टाइम मैप्स क्रिएट करते हुए ये देखा कि द कॉन्टिनेंट्स आर लाइक अ पजल अगर आप उनको मैच करोगे द फिट्स परफेक्टली लाइक अ पजल मैं भी आपको शो करूंगा इमेजेस उसके बाद एंटोनियो पेलग्रीनी ने पहला ऐसा मैप क्रिएट किया जिसमें उन्होंने इन सभी कॉन्टिनेंट्स को एक साथ शो किया एंड उसके बाद ऑब्वियसली 1912 में एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी पुट फॉर्थ करी अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड उसके बाद आर्थर होम्स की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो नाइनटीन में उन्होंने दी एंड देन हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी

अगर सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ मर्ज हैं तो सभी भी एक साथ होंगे और सभी को के सभी जो आज के समय पर हैं चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो एंटार्क्टिका हो इंडिया हो सब कॉन्टिनें ऑफ इंडिया अफ्रीका हो इवन मेटागाकर का छोटा आइलैंड भी आपको यहां दिखता है साउथ अमेरिका हो नॉर्थ अमेरिका हो फाइन यूरोप हो एशिया हो तिब्बत वाला पार्ट हो या फिर इवन जो अरेबिया वाला पार्ट हो ऑल ऑफ कॉन्टिनेंट्स वो एक साथ थे और इस मास को उन्होंने बोला पेंजिया एंड ऑब्वियसली अराउंड पेंजिया वी हैड दी पैंथेलसा यानी कि सारे के सारे ओशन इकॉल्ड पैंथेलासा इकोलडेस पैंथेलासा सो पैंथेलासा वॉज वॉट आज के समय पर जो पैसिफिक ओशन है आप कह सकते हैं दैट इज अ रेमेनेंट ऑफ पेंथेलसा फाइन तो उन्होंने बोला कि ट्वेंटी बोला टू हंड्रेड मिलियन एगो टू हंड्रेड मिलियन एगो दिस कॉन्टिनेंट स्टार्टेड टू ब्रेक इन टू टू पार्ट जो कॉन्टिनेंट था ये दो भागों में टूटना शुरू हुआ लाइक दिस इट स्टार्टेड टू ब्रेक इन टू

तो इसका क्या नाम पड़ा इसका नाम उन्होंने रखा एंगारा लैंड और इसी को बोलते हैं लॉरेशिया सो ही कॉल्ड इट एज एंगारा लैंड और लॉरेशिया और जो सदन पार्ट था दैट वाज नेम्ड आफ्टर अ प्लेस दैट इज लोकेटेड टुडे इन इंडिया यस गोंडवाना लैंड तो अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड वाज द सदर्न पार्ट अंगारा लैंड वाज द नदन पार्ट ऑफ दैट पैंजिया कॉन्टिनेंट फाइन सो गाइस जब जोरासिक पीरियड के स्टार्ट में ये कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हुआ इट स्टार्टेड टू ब्रेक तो बीच में एक नया ओशन क्रिएट हुआ दिस ओशन वाज कॉल्ड बाय हिम एज टेथिस सी व्हाट As Tethys sea. तो आप देख सकते हैं गाइज दिस पीरियड एंड वॉज बिटवीन अंगारा लैंड लॉरिशिया एंड गोंडवाना तो क्या आज के समय पर भी टेथीस का कोई पार्ट देखने को मिलता है मेडिटरेनियन सी यू सी फाइन जो मेडिटरेनियन सी है इवन ब्लैक सी वर पार्ट ऑफ दिस फाइन। तो टेथिस क्रिएट हुआ और उसके बाद विद टाइम सभी कॉन्टिनें जो आज के समय पर कॉन्फिग्रेशन है उसमें जाकर सेट हो गए नाउ एज यू कैन सी अंगारा लैंड था वो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में टूट गया पहला जो पार्ट था दैट वाज नॉर्थ अमेरिका ऑब्वियसलीकेंड पार्ट वॉज ग्रीनलैंड एंड दर्ड पार्ट वॉज द कॉन्टिनेंटल मास ऑफ यूरोप एंड एशिया दैट इज बेसिकली और यूरेशिया बट यूरेशिया के अंदर इंडिया नहीं था देर वॉज नो इंडिया एंड देर वॉज नो अरेबिया इंडिया एंड अरेबिया वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड आप देख सकते हैं दिस वॉज गोंडवाना लैंड एयर वी हैव एफ्रीका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका इंडिया एंड अरेबिया वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड फाइन तो उसके बाद क्या हुआ अबाउट सेवेंटी मिलियन ईयरस है गो जो इंडिया है इट ब्रेक अवे फ्रॉम गोंडवाना लैंड एंड स्टार्टेड इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी अबाउट सेवेंटी मिलियन ईयरस है गो एंड इंडिया टकराया यूरेशिया से एंड देन हिमालयास क्रिएट हुए इसी तरह से जो अरेबिया था इट ऑल्सो माई डियर फ्रेंड्स मूवड नॉर्थ वर्ड एंड कोलाइडेड विद यूरेशिया फाइन तभी आप देखते हैं कॉकस वाला जो रीजन है जैग्रॉस माउंटेंस हैं हिमालिया है, है हिंदू कुश है ये सभी माउंटेन्स दीज माउंटेन्स वर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इंडिया एंड अरेबिया विद यूरेशिया फाइन सो ये थ्योरी उन्होंने सामने रखी थी एंड गाइस इस थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं थी उस समय पर बट एस आई टोल्ड यू ही वॉज अ क्लाइमेटोलॉजिस्ट फाइन एंड एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट की बात जियोलॉजिस्ट क्यों सुनेंगे एक इंजीनियर की बात डॉक्टर्स क्यों सुनेंगे एक इंजीनियर बोलता है भाई ऑपरेशन ऐसे करो डॉक्टर बोलेगा भाई आप इंजीनियर हो वाई आर यू टॉकिंग यू डोंट नो दिस थिंग तो वाई आप अपनी टांग अड़ा रहे हो सो so, इसी वजह से उस समय पर आर्थर होम्स की जो एक्सप्लेनेशन थी उसके बिना किसी ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया फाइन सो गाइज जो <laughs> की थ्योरी थी इट वॉज रिजेक्टेड एट दैट टाइम तो उनसे पूछा गया कि आप सर यह बताओ कि ये जो कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं आप कह रहे हो कि द कॉन्टिनेंट्स दैट मूविंग इस मूवमेंट के पीछे फोर्स कौन सी थी यानी कि अगर कॉन्टिनेंट मूव करेगा एनर्जी कहां से आएगी फ्रॉम वेयर द एनर्जी विल कम जिससे कि ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करेंगे तो एक बार इस थ्योरी के ऊपर दोबारा से नजर डालते हैं गाइस तो हुआ क्या था बेसिकली आप देख सकते हैं अबाउट 200 मिलियन ईयर एगो पेंजिया था और उसके आसपास पैंथेलसा था ठीक है उसके बाद टीरासिक के लास्ट में जुरासिक के स्टार्टिंग में ये टूटना शुरू हुआ आप देख सकते हैं जो नदन पार्ट था वो लॉरेशिया था सदन पार्ट था वो गोंडवाना था और बीच में टेथी सी जो है वो ओपन हो गया फाइन विद टाइम जो रास्ट में आप देखेंगे जो अमेरिका है वो यूरेशिया से टूटना शुरू हुआ इवन जो एंटार्क्टिका इंडिया एंड दूसरे पार्ट्स से वो भी टूटने शुरू हुए फ्रॉम फ्रॉम अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एंड स्लोली स्लोली टुडे प्रेजेंट डे आप देखेंगे दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन सो ये थ्योरी दी थी हमें एल्फ्रेड वेगनर ने And my dear friends, इस थ्योरी के कुछ प्रूफ्स थे so, ने हमें इस थ्योरी के कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड किए तो एविडेंसेस के ऊपर एक बार नजर डालते हैं सो बेसिकलीस वॉज दू कैन टूडेग्रेशन ऑफ द कॉन्टिनें हाउ पिया इट ब्रोकअप सो एल्फ्रेड वेग्नर ने बोला फर्स्ट थिंग फर्स्ट अगर आप सभी कॉन्टिनें देखोगे तो सभी कॉन्टिनें एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट हो जाते हैं So, आप यहां पर अगर देखोगे एस यू कैन सी माई डियर फ्रेंड्स एफ्रीका इज फिटिंग विद साउथ अमेरिका एंड इवन जो एफ्रीका पार्ट है इंडिया ऑल कैन बी कॉन्फिगर्ड टूगेदर सो ये उनका पहला उनका पहला एविडेंस था दूसरा एविडेंस था उन्होंने बोला कि भाई देखो अगर दो कॉन्टिनेंट कभी एक साथ थे तो उनके अक्रॉस जो रॉक्स हैं वो एक साथ ही बनी होंगी तो उनकी एज सेम होनी चाहिए तो आज के समय पर भी अगर आप अफ्रीका के के इस को, के इस कोस्ट कोस्ट को को एंड साउथ अमेरिका की की रॉक्स एज कंपेयर करते हैं तो एज सेम आती है सेम गोज विध ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप तो ये शो करता है कि उस टाइम पे जो रॉक्स थी वो एक साथ ही बनी थी इस पूरे लैंड मास में लेकिन विद टाइम ये अलग हो गई तो आज भी इनकी एज जो है दैट इज सेम

तो इस ग्लेशियर के डेबरी की भी एज हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इन ग्लेशियर्स की डेबरी आपको अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स देखने को मिली यानी कि यहाँ पर भी थी सेम एज की डेब्री यहाँ पर भी थी सेम एज की सो so, ये एक और प्रूफ था जो हमें एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी का दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का दिया इसके बाद थर्ड प्रूफ था अबाउट प्लेसर डिपॉजिट्स अबाउट प्लेसर डिपॉजिट्स तो पहले आप समझो कि प्लेसर डिपॉजिट्स होते क्या हैं तो देखिए गाइस प्लेसर डिपॉजिट्स आर नथिंग बट दे आर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड हम प्लेसर डिपॉजिट्स को एलुवील गोल्ड भी बोलते हैं देखिए गोल्ड एक ऐसा मेटल है एक नोबल मेटल है जो किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता नेचुरल एनवायरमेंट में तो आपको या तो गोल्ड इस फॉर्म में देखने को मिलता है रॉक के अंदर है किसी से रिएक्ट नहीं किया इसको हम कहते हैं लोड गोल्ड एल ओ डी ई we can call it as load deposit. Hmm? But with time, ये जो loads हैं, पत्थर हैं, rocks हैं, जिसमें सोना है, इनका भी erosion होगा. They will be eroded. And when they will be eroded, they will be converted into sand. Sand, soil, मिट्टी बन जाएंगी. तो वो मिट्टी कहीं कही ना कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएगी तो उसको हम प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं उसको हम प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं तो जब ये रॉक हो जाएगी इट विल विल कन्वर्ट एंड दैट बी बी डिपॉजिटेड बाय वाटर और मे विंड एट अ डिफरेंट प्लेस तो वहां पर आपको इस तरह के प्लेसर डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे तो यहां पर देखिए हम इस एरिया को बोलते हैं क्या वी कॉल दिस एरिया एज वॉट एज गोल्ड कोस्ट घाना को बोलते हैं ना है ना तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोड डिपॉजिट्स भी मिलते हैं लेकिन साउथ अमेरिका के इस कोस्ट पर भी आपको गोल्ड के रिजर्व्स मिलते हैं फाइन और खास रूप से इस एरिया में आपको प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं तो अगर यहाँ पर प्लेसर डिपॉजिट्स हैं तो कहीं ना कहीं लोड डिपॉजिट्स भी होने चाहिए गोल्ड वाले पत्थर भी होने चाहिए तो वो गोल्ड वाले पत्थर यहां लोकेटेड हैं लेकिन प्लेसर डिपॉजिट्स यहां लोकेटेड हैं। तो ये शो करता है कि एक टाइम पर ये जुड़ा हुआ था और इनके इरोजन से जो मिट्टी है गोल्ड की वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गई थी फाइन सो दिस वाज द एविडेंस इसके अलावा फॉसिल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स गाइस अगर आप फॉसिल्स की बात करें जीवाश्मों की बात करें तो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स आपको अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स आपको ये डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं सो गाइस यू फाइंड फॉसिल्स अक्रॉस दीस Continents. तो यहाँ पर एक स्पीशीज है डायनासोर की उसके फॉसिल आपको साउथ अमेरिका में भी मिलते हैं आपको अफ्रीका में भी मिलते हैं आपको वो यहाँ भी मिलते हैं इंडिया में वही डिपॉजिट मेटागास्कर में भी आपको फॉसिल्स मिलते हैं वही फॉसिल्स आपको अफ्रीका में मिलते हैं तो ये दिखाते कि एक टाइम पर ये जगह जुड़ी हुई थी जिसकी वजह से जो ये जानवर है इनके फॉसल्स वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं फाइन सो दीज वी एविडेंसिस दैट वॉज गिवन बाई एल्फ्रेड वेग्नर टू सपोर्ट हिज थ्योरी टू सपोर्ट थ्योरी लेकिन उनसे पूछा गया कि सर आपने एविडेंसेस तो दिए लेकिन आप यह हमें explain करें कि ये जो है, जहां पर ड्रिफ्ट कर, कर रहे हैं यहां पर एनर्जी कहां से आ रही है आपको इतने बड़े बड़े लैंड मास को मूव करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी सम एनर्जी टू मूव दीज लैंड फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी इज कमिंग तो यहां पर क्योंकि ही वॉज नॉट अ जियोलॉजिस्ट ही वॉज अ ट्रेन क्लाइमेटोलॉजिस्ट सो ही वॉज अनेबल टू गिव देक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थ्योरी तो उन्होंने बेसिकली बोला क्या बोला उन्होंने उन्होंने बोला कि फर्स्ट एनर्जी जो आ रही है इन कॉन्टिनें को ड्रिफ्ट करने की दैट इज कमिंग फ्रॉम दी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन तो उन्होंने बोला कि इतने बिलियन एंड बिलियन ईयरों से सालों से वर्षों से मून एंड सन की ग्रेविटी अर्थ के ऊपर वर्क कर रही है और इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो कॉन्टिनेंट हैं ये मूव कर रहे हैं उन्होंने इस फोर्स का नाम रखा टाइडल फोर्स सेकेंड उन्होंने बोला पोलर फ्लिंग फोर्स उन्होंने बोला कि अर्थ जो है हमारी दैट इज रोटेटिंग वो रोटेट कर रही है ऑन इट्स एक्सेस फॉर अबाउट फोर पॉइंट फाइव बिलियन इयर्स और इस रोटेशन की वजह से माय डियर फ्रेंड्स जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ऊपर फोर्स लग रही है और उसका नाम इन्होंने रखा पोलर फ्लिइंग फोर्स क्या रखा पोलर फोर्स बिकॉज ऑब्वियसली जो अर्थ है अर्थ की एक्सिस है जिसके अला हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है वो नॉर्थ पोल जोग्राफिक नॉर्थ एंड जोग्राफिक साउथ पोल से होकर गुजरती है सो so उन्होंने बोला कि भाई ये दो फोर्सेज हैं फर्स्ट वॉज टाइडल ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून एंड सेकेंड फोर्स वॉज पोलर फ्लिइंग फोर्स दैट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ दी

तब भी इतनी फोर्स इतनी एनर्जी जनरेट नहीं होगी जो कॉन्टिनेंट को मूव कर पाए फाइन देयर वुड बी नॉट इनफ एनर्जी टू मूव इवन इफ कॉन्टिनें वर्क फॉर हंड्रेड बिलियन ईयरस एगो और इसी वजह से हिज थ्योरी वॉज रिजेक्टेड फाइन सो गई दैट वॉज द होल स्टोरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ट्रिप सो एक बार हम समराइज करते हैं इस पूरी थ्योरी को तो एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी को कॉन्क्लूड किया 1912 में हुँ? उन्होंने बोला बेसिकली कि 200 मिलियन ईयर्स एगो जो पैंजिया था इट स्टार्ट टू ब्रेक अ पार्ट इंटू एंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड दीज एंगारा लैंड गोंडवाना लैंड उसके बाद फर्दर डिवाइड हो गए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका यूरोप एशिया ग्रीनलैंड एशिया एक्सेप्ट इंडिया एंड अरेबिया दिस गोंडवाना लैंड इट ब्रोक इन टू एंटार्क्टिका साउथ अमेरिका एफ्रीका एंड मेडागाकर इंडिया एंड अरेबिया प्लस ऑस्ट्रेलिया और इनके बीच में था दी टेथी सी दैट वॉज पार्ट ऑफ नथिंग बट अपर ओशन नेम्ड एज पेंथे लसा फाइन सो पेंजिया वाज सुपर कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू हिम फाइन तो इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे बहुत सारे प्रूफ्स दिए वो प्रूफ्स क्या-क्या थे यू मस्ट नो ही गव सम एविडेंसेस टू सपोर्ट हिस थ्योरी द फर्स्ट प्रूफ माय डियर फ्रेंड्स वाज व्हाट टेल मी यस जिगसॉ फिट सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ आज भी फिट हो जाते हैं लाइक अ पजल द सेकेंड थिंग ही टोल्ड अस वॉज वॉट यस ही टोल्ड अस अबाउट द रॉक्स एज एज ऑफ रॉक्स फाइन द थर्ड थिंग ही टोल्ड अस अबाउट इज उन्होंने बताया थर्ड कि भाई जो थ्योरी है इसको करती है सपोर्ट टिलाइट्स जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं फोर्थली

जिसका नाम उन्होंने रखा टाइडल फोर्सेस फाइन एंड सेकेंडली पोलर फ्लूंग फोर्स और ये पोलर फ्लिंग फोर्स क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ रोटेशन बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ दी अर्थ तो ये पूरी थ्योरी थी एल्फ्रेड वेग्नर की एंड इस थ्योरी को बोला गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट was was the थ्योरी जो हमने आज देखी was given by yes, my dear friends, Alfred Wegener. fine. तो गाइस आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड कल हम बात करेंगे बेसिकली कन्वेक्टिव करंट थ्योरी की जो हमें आर्थर होम्स ने दी थी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की जो हमें हैरी हेस ने दी थी और उन्होंने बेसिकली जो फोर्सेस थी उनको एक्सप्लेन किया उन्होंने बोला कि एल्फ्रेड वेग्नर की थ्योरी ठीक है बट उनकी जो एक्सप्लेनेशन है फोर्सेस की एनर्जी की वो गलत है सो दे बोथ हेल्प्ड टू प्रूव हिज थ्योरी

इन चैनल्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं सो गाइज विद दैट थिंग इन माइंड बाय टेक केयर एंड आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल